इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 5 जून के दिन भी कई घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। 5 जून का दिन देश के सिखों के जहन में एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना ने प्रवेश किया था। सिखों के इस सर्वाधिक पूजनीय स्थल पर सेना के अभियान को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें करीब 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। देश दुनिया के इतिहास में 5 जून को दर्ज हुई प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1507 में इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1659 में आज ही के दिन मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आज ही के दिन 1661 में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। 1827 में आज ही के दिन ग्रीक की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान तुर्कों ने एक्रोपोलिस और एथेंस पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1846 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप का जन्म आज ही के दिन 1901 में हुआ था। आज ही के दिन 1912 में अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा पर तीसरी बार हमला किया था। 1915 में आज ही के दिन डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। आज ही के दिन 1942 में अमेरिका ने बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन आज ही के दिन 1942 में हुआ था। आज ही के दिन 1953 में डेनमार्क में नया संविधान लागू किया गया था। भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म आज ही के दिन 1961 में हुआ था। आज ही के दिन 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला कर उसके करीब 400 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। 1968 में आज ही के दिन अमेरिका के लॉस एंजिल्स के एक होटल में सांसद रॉबर्ट कैंडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर को तत्काल पकड़ लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था। आज ही के दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 1984 में आज ही के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सिखों के धर्म स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने प्रवेश किया था। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रोहेल्ला खुमैनी का निधन आज ही के दिन 1989 में हुआ था। आज ही के दिन 1990 में सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2002 में आज ही के दिन भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज किया था। आज ही के दिन 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 2013 में आज ही के दिन अमेरिकी जासूस स्नोडेन ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा लाखों लोगों के फोन रिकॉर्ड जुटाने का खुलासा किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।